देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड ऑफ द एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द राधेश्याम। राधेश्याम की पुस्तकों में से बहुत सारे डेटा मतलब यहाँ पे दिया गया लेखांकन उनकी लेखांकन अवधि में के अंत में बहुत सारे यहाँ पे डेटा दिया गया। क्या क्या डेटा दिया गया? डेटा दिया गया उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लगाया 2 लाख का, फर्नीचर उन्होंने परचेज किया 50,000 का, बिल्डिंग उन्होंने भवन है उनका जो उनके जो मतलब भवन है उनका वो उसकी कॉस्टिंग कितनी है 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख उसकी मतलब वैल्यू है। एंड देन यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्लियर, उनकी प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है, फर्नीचर 50,000 का, बिल्डिंग 5 लाख का है, तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। और देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी आपको दिया रहेगा, बस आपको डेप्रिसिएशन निकालना रहेगा। 20% आपका फर्नीचर पे लग रहा है, 10% आपका किस पे लग रहा है, सॉरी 20% आपका किस पे लग रहा है, मशीनरी और संयंत्र पे आपका लग रहा है 20% डेप्रिसिएशन। क्लियर, एंड देन फर्नीचर पे आपका कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, भवन पे आपका 5% लग रहा है, बिल्डिंग पे। तो ये डेप्रिसिएशन के रेट भी आपको दे दिए गए हैं। बहुत बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, जिनकी रेगुलर तैयारी नहीं रहती है, या बहुत सारे एजुकेटर ऐसे हैं वो क्या करते हैं थ्योरी थ्योरी करा देते हैं एमसीक्यू, न्यूमेरिकल जल्दी कराते ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने अदर प्लेटफॉर्म से बैच लिया हुआ था, वहाँ उन्हें न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया जा रहा था। और अब की बार जो यूपी पीसीएल का असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया है, सभी स्टूडेंट यही कह रहे थे कि सर हमारा न्यूमेरिकल में मार्क्स बहुत ज़्यादा घट गया है। न्यूमेरिकल हम लोगों को जहाँ से हमने बैच लिया था, मैं एक पर्सनल टीचर का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल कराया ही नहीं जा रहा था। जब न्यूमेरिकल कराया ही नहीं जा रहा था तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, इसीलिए वो स्टूडेंट क्या हो गए, सिलेक्शन से बाहर हो गए और इस समय यहाँ पे रजिस्टर्ड है अपने यूपी TSSC ऑडिटर के इस बैच में। तो मैं आप सभी को बता दूँ न्यूमेरिकल की क्लासेस में विशेष फोकस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सभी कवर कराया जाएगा। तो सभी ये रेट दे रखा है डेप्रिसिएशन का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूल्यह्रास की गणना करनी है, डेप्रिसिएशन की आपकी काउंटिंग करनी है। तो कितना डेप्रिसिएशन आपका मशीन पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे कितना लगेगा, सभी के रेट भी दे रखे हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे, आपका टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, इनकी इसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। ठीक है, तो 2 लाख का 20% मतलब 40,000 रुपये आपका किस पे लग रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे। फर्नीचर आपका कितना है, 50,000 का है, फर्नीचर पे आपका 20% डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो इसका टोटल आएगा 5,000। क्लियर, एंड बिल्डिंग आपका कितने का है, बिल्डिंग आपका टोटल है 5 लाख का, 50 लाख होगा। एक मिनट मैं डेटा चेक कर लूँ, यहाँ पे आपका यूनिट 100,000, 10,000 लाख, या 5 लाख का आपका बिल्डिंग है, तो 5 लाख का 5% आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये 5% आपका कितना आएगा, 5% 25,000 आएगा। तो टोटल आपके प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन, 40,000 आपका लग रहा है, और फर्नीचर पे आपका 5,000 लग रहा है 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, 25,000 हो रहा है। टोटल आपका डेप्रिसिएशन जो लग रहा है, ये तीनों एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, ये फिक्स एसेट्स है श्याम एंड मेसर्स लिमिटेड कंपनी का, तो टोटल ये डेप्रिसिएशन इनके फिक्स एसेट्स पे कितना लग रहा है, 70,000 रुपये इनका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है इनके फिक्स एसेट्स पे, यही आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये मैं परसेंटेज कहाँ से ले रहा हूँ, आप सभी लोग कन्फ्यूज मत रहिएगा, परसेंटेज ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अगर आपको सभी के वैल्यू दिए रहेंगे, मतलब सभी का वैल्यू दिया रहेगा आपके फिक्स एसेट्स का, तो ये डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, इसी के बेस पे मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, आप सभी लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन 70,000 आ रहा है, तो 70,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मूल्य ह्रास आपका होगा वो 70,000 राइट डाउन किया जाएगा, 70,000 लिखा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग पे। क्लियर, चलिए यहाँ पे फिर से एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कि श्याम एंड मेसर्स लिमिटेड जो आपका उन्होंने फाइनेंशियल ईयर का अपना पूरा अकाउंटिंग डेटा यहाँ शो किया हुआ है। द कंपनी इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2017 इनका मतलब फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर क्या फॉलो कर रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को फॉलो कर रहा है। तो 1 अप्रैल 2017 को इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, इन्होंने शुरुआत में ही मशीन परचेज कर लिया 2,50,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस उन्होंने 5,000 दे दिया। ठीक है, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू इनकी कितनी है, 10,000 है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू एंड यहाँ पे जो वर्किंग लाइफ है, पूरी वर्किंग लाइफ 5 साल के लिए है। ठीक है, 5 साल तक इनका ये मशीन पूरा रन करेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है डेप्रिसिएशन क्या होगा 2017-18 का, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्लियर, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपसे डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है, तो बहुत इजी है, अभी मैं लगातार स्ट्रेट लाइन मेथड ही करा रहा हूँ,
तो अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी दो तीन आपको करा दिए हैं। क्लियर? जैसे न्यूमेरिकल तभी आपको आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जितना भी मैं कवर करा दे रहा हूँ, इसको आप एक बार क्लास लेक्चर अच्छे से आपने देख लिया, फिर न्यूमेरिकल को आप क्या कीजिए, PDF से ही उसको बिना देखे आप लगाइए। एक बार प्रैक्टिस करना है, फिर बार बार नहीं पढ़ना है। एक बार आपने पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आप लगाने जाएंगे। तो 2,50,000 का इनका क्या था, मशीनरी था। 5,000 का इनका टोटल इंस्टॉलेशन चार्जेस था लगाने का। मशीन उसीन फिट करेगा जो इंजीनियर, उसको पैसा देना पड़ेगा। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000 है आपका। तो 2,50,000 और 5,000, 2,55,000। 2,55,000 में 10,000 चला गया तो आपका 2,45,000 आया। और एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब वर्किंग लाइफ इसकी कितनी है, 5 साल है। उससे हम डिवाइड कर देंगे, 49,000 आएगा। तो 49,000 आ रहा है, तो 49,000 ही आपका राइट आंसर होगा। मतलब सीधी रेखा पद्धति, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में, मैंने बार बार कहा है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहता है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है फिक्स एसेट्स पे, वो आपका सेम रहता है, पर ईयर सेम रहता है। ये माइंड में अपने फोकस कीजिए। कभी कभार इस पर MCQ भी आ जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? तो 49,000 आपका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा, 49,000। क्लियर?